वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेस्टेशनल सैक क्या होता है। प्रेगनेंसी के जो शुरुआती अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें प्रेगनेंसी की तीन झलकें दिखाई देती हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि ये प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है कि नहीं। पहली जो झलक होती है उसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं, दूसरी योक सैक और तीसरी फीटल पोल, और इसके बाद आपको बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। जो जेस्टेशनल सैक है मतलब जो प्रेगनेंसी की पहली झलक हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है, इसी के बेसिस पर बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है कि नहीं, प्रेगनेंसी आगे ग्रो करेगी कि नहीं, और शुरुआती टाइम में इससे आप प्रेगनेंसी के दिन कितने हैं वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो तीनों प्रोसेस है ये टाइम रहते ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जेस्टेशनल सैक के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने दिन प्रेगनेंसी के हो चुके हैं। उसको जानने के लिए आपको आपकी लास्ट पीरियड डेट का पता होना चाहिए, जिसे LMP डेट या लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपका पीरियड साइकिल 28 दिनों का है और आपने 28 दिन तक वेट किया पीरियड्स का, पीरियड्स नहीं आए, और आपने 29वें दिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव आया, और उसके बाद अगर आप 3 से 4 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो अल्ट्रासाउंड में आपको प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है जिसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं। सो जेस्टेशनल सैक क्या होता है? जेस्टेशनल सैक प्रेगनेंसी की झिल्ली होती है, ऐसा आप समझ सकते हो। ये एक सैक की तरह होता है, मतलब एक थैली जैसी संरचना होती है जिसके अंदर एक टाइप का द्रव भरा होता है, इसे एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। आगे बात करें कि जेस्टेशनल सैक का साइज क्या होता है, क्योंकि जेस्टेशनल सैक के साइज के हिसाब से आप अपनी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो जेस्टेशनल सैक का साइज प्रेगनेंसी के 28 दिन के बाद 1 mm पर डे के हिसाब से इंक्रीज होता है। सो मान लीजिए कि आपको 35 दिनों की प्रेगनेंसी है और आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आपको 7 mm जेस्टेशनल सैक दिखाई देगा। कई बारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में mm की जगह डॉक्टर आपको सेंटीमीटर में जेस्टेशनल सैक का डायमीटर शो करते हैं। सो 10 mm 1 cm के बराबर होते हैं। तो मान लीजिए कि 6 सप्ताह पर आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आपको जेस्टेशनल सैक 1.2 cm आया, तो अगर उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 mm आ जाएगा। इसके हिसाब से आप अपनी प्रेगनेंसी के दिन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और ये भी जान सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी प्रॉपरली प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। इस गेस्टेशनल सैक के दिखने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद आपको इसी जेस्टेशनल सैक के अंदर प्रेगनेंसी की दूसरी झलक दिखाई देती है जिसे योक सैक कहते हैं। जब ये योक सैक दिखाई देता है तो इस योक सैक के दिखने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद आपको फीटल पोल दिखाई देता है और इसके बाद आपको बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि जब जेस्टेशनल सैक का साइज 8 mm तक हो जाता है तो आपको इसमें प्रेगनेंसी की दूसरी झलक जिसे योक सैक कहते हैं वो दिख जाना चाहिए, और मैक्सिमम जब 18 mm तक जेस्टेशनल सैक का साइज हो जाए और अगर आपको उसमें योक सैक दिखाई ना दे तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मिस्ड अबॉर्शन की साइड में जा रही है। और ऐसे ही अगर जेस्टेशनल सैक का साइज़
जब 24 mm तक पहुंच जाए तो उसमें आपको फीटल पोल दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी फेलियर की साइड में जा रही है, मतलब मिस्ड अबॉर्शन की साइड में जा रही है। लेकिन जेस्टेशनल सैक के साइज से प्रेगनेंसी का पता करना कि ये प्रेगनेंसी फेलियर की साइड में जा रही है या फिर मिस्ड अबॉर्शन है, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ एडवांस टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। आगे बात करें कि जेस्टेशनल सैक की आकृति कैसी होती है, तो नॉर्मली जो जेस्टेशनल सैक है उसकी आकृति या तो आपको गोलाकार दिखाई देगी या फिर अंडाकार दिखाई देगी। अगर हमें अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैक की आकृति गोलाकार या अंडाकार ना दिखाई देकर कोई भिन्न आकृति दिखाई देती है तो इसे इरेगुलर जेस्टेशनल सैक कहते हैं। ऐसे ही कई बार जेस्टेशनल सैक का साइज अल्ट्रासाउंड में छोटा दिखाई देता है जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है। मान लीजिए कि आपने 6ठे सप्ताह पर अल्ट्रासाउंड कराया और जेस्टेशनल सैक का साइज अभी तक 12 mm हो जाना चाहिए। अगर जेस्टेशनल सैक का साइज 2 mm या 5 mm होता है तो इसे स्मॉल जेस्टेशनल सैक कहा जाता है। कई बारी अल्ट्रासाउंड में आपको नो जेस्टेशनल सैक करके मेंशन किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है लेकिन अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैक दिखाई नहीं देता। इसके ना दिखाई देने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें केमिकल प्रेगनेंसी, एप्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के फेक पॉजिटिव रिजल्ट होने के कुछ कारण हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी मेडिसिन ली हो जिससे आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का एक गलत रिजल्ट मिला हो। और कई बार अल्ट्रासाउंड में आपको एम्प्टी जेस्टेशनल सैक करके मेंशन किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल सैक दिखाई दिया और आपको योक सैक दिखाई दिया, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ कमी के कारण, बच्चे में कुछ खराबी के कारण जेस्टेशनल सैक में तो विकास होता है लेकिन जो योक सैक है वो डीजनरेट हो जाता है, मतलब सुकड़ जाता है और अंदर ही वो डिसॉल्व हो जाता है। और जेस्टेशनल सैक का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ऐसी सिचुएशन को ब्लाइटेड ओवम या एम्प्टी जेस्टेशनल सैक या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी करके मेंशन किया जाता है। ओके, और जेस्टेशनल सैक पर गाइज ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चे की दिल की धड़कन कब आती है इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।